हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी और उसके एमसीक्यूज देखे थे। आज हम लोग देखेंगे अबाउट फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्या है फिस्कल पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, फर्दर उसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। 5 बजे हिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक। 7 बजे पॉलिटी का लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हमने DPSP डिस्कस किया है इन डिटेल, ठीक है, और उसके ऊपर ही उसके बेस्ड ही हमने MCQs डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर जो इकोनॉमिक्स का अभी 9 बजे शुरू होने वाला है, दैट इज़ इसमें हम लोग देखेंगे अबाउट फिस्कल पॉलिसी, ओके। और इस हर एक लेक्चर की आपकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डेली करंट अफेयर्स थ्रू रील्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय, इंडिया में जो फिस्कल पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट कौन कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। तो RBI क्या बनाता है, हमने बताया था कल आपके साथ डिस्कशन हुई थी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का तो काम नहीं है ये, तो दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करता है। तो वो कौन, इसको हम लोग एक चीज याद रखना, फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी को हम लोग बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी। तो बजट कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको इस टर्म से याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ही फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। अब देखिए आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज कितने टाइप की होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज कितने टाइप की होती हैं, दैट इज टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी, सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वी ऑलरेडी डिस्कस इन यस्टरडेज लेक्चर। मॉनेटरी पॉलिसी जो है दो टाइप की होती है, दैट इज इंटरेस्ट एंड मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई की बात कौन करता है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड डिमांड की कौन बात करता है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, ठीक। फिस्कल पॉलिसी भी दो फर्दर टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करता है, ठीक है। डील किस किस के साथ करता है, मॉनेटरी पॉलिसी डील करती है इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई के बारे में। फिस्कल पॉलिसी किस किस के बारे में बात करती है, हमारे पास टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में। ये दो टाइप की पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। एंड फर्दर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको हम एफिशिएंटली एलोकेट करें बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये किसका काम है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन जो है रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज, वो हम कैसे करते हैं रिडक्शन इनकम इनइक्वालिटीज के बीच में, थ्रू टैक्सेशन, ठीक है, थ्रू टैक्सेशन। जो गरीब हैं उनसे कम टैक्स लेके और जो अमीर हैं उनसे ज़्यादा टैक्स चार्ज करके, ठीक है। तो ये कैसे रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज कैसे करते हैं, थ्रू टैक्सेशन। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी प्लस कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, ये भी हम फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करते हैं, थ्रू वाया फिस्कल डेफिसिट टूल। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट टूल है उससे हम लोग प्राइस स्टेबिलिटी करते हैं प्लस इन्फ्लेशन पे कंट्रोल भी करते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ऑलराइट। प्लस क्या करते हैं, हम लोग इनकरेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अर्निंग्स को। ये दो टाइप की होती हैं जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है, ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी, सेकंड वन इज कॉन्ट्रक्शनरी। एक्सपेंशनरी जो क्या होती है, ये क्या करते हैं, इसका ये होती है ज्यूरिंग रिसेशन। ये कब काम आती है, ज्यूरिंग रिसेशन, याद रखिएगा। और ये कब आती है, दैट इज ज्यूरिंग माउंटेन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, जब इन्फ्लेशन माउंट पे होता है तब, और ये आता है ज्यूरिंग रिसेशन। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें लो कर देते हैं टैक्सेस को और इंक्रीज कर देते हैं किसको, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, याद रखिएगा ये, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम इंक्रीज करते हैं और टैक्स को लो करते हैं किसमें, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में। कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी में क्या करते हैं, हम इसका अपोजिट, टैक्स को हम इंक्रीज कर देते हैं देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज कर देते हैं। ये थे हमारी दो टाइप की क्या, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं इसके, गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस पब्लिक डेट, ओके। होप सो आपको फिस्कल पॉलिसी समझ आई होगी। चलिए अब इसकी
एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन कंट्री लाइक इंडिया इज दैट इट प्लेज मेजर रोल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इट एम्स टू रिड्यूस द इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, इम्बैलेंस नहीं होनी देती डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। टैक्स गरीबों से कम, मतलब हमारा स्वैब लेवल जो होता है 5 लाख से ऊपर है तो इतना, 10 लाख से ऊपर तो इतना, 15 लाख, 20 लाख, तो इसकी क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इनकम और वेल्थ की अच्छे से करती है। तो ये बी ऑप्शन भी सही है हमारा। इट हेल्प्स टू जनरेट सफिशियंट रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू फाइनेंस द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे होते हैं? टैक्स के थ्रू, डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स जो एक्साइज टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटीज आ गया, या फिर लग्जरी गुड्स पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड वन का देखिए, द रिसिप्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम इट्स डेटर्स, ओके। द रिसिप्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, ओके। द डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ऑल राइट। द रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें कौन से रिसिप्ट इसमें ऐड नहीं होती? तो दोज आर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फोर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट दैट कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिशियट फाइनेंसिंग। इसमें कौन सा रिजल्ट होगा जब डिफिशियट फाइनेंसिंग अकर होने वाली होगी? द राइज इन इन्फ्लेशन विद इन द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ओके। द इम्प्रूवमेंट इन मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, मनी सप्लाई में भी वो हो जाएगी, इंप्रूवमेंट आएगी। द इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेप्ट, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी ये डिफिशियट फाइनेंसिंग अकर होने वाली होगी अपनी डेवलपमेंट के दौरान किसी भी कंट्री में, तो उसमें ये तीन अकर होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज राइजिंग, जीडीपी इज फॉलोइंग, जब जीडीपी गिर रही हो, ठीक है, द फिस्कल पॉलिसी एक्शन दैट द फेडरल गवर्नमेंट शुड मोस्टली लाइकली टू फॉलो, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी? जो टैक्सेस हैं उनको डिक्रीज कर देगी, ठीक है ना। एक तो पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग थोड़ी ना कम करेगी, उनकी स्पेंडिंग तो जितनी है उतनी करेगी, तो क्या करेगी? टैक्स को डिक्रीज कर देगी। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एनुअल बजट प्रिपेयर किया जाता है इंडिया, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड ये ट्रू है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सेविंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो कमर्शियल पॉलिसी भी नहीं होती है, मॉनिटरी पॉलिसी तो मैंने आपको बताया आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया हमारे पास, ठीक है। मनी सेविंग पॉलिसी तो है नहीं ये, क्योंकि उसमें तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट सिनेरियो इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्स टू पास द बजट, अगर बजट पास करना इंडिया फेल हो जाती है तो इनमें से कौन सा सिनेरियो सही होगा? द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव रिजाइंड एंड गवर्नमेंट फॉल्स डाउन, ठीक है, जब गवर्नमेंट गिर गई होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन दे देना होगा। द फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट द स्पीकर ऑफ द हाउस फॉर एक्स्ट्रा टाइम टू पास द बजट, ओके। द बजट फ्रॉम द लास्ट ईयर कंटिन्यूस, ये बिल्कुल नहीं होता सर, नन ऑफ द अबव, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। तो अब अपने पास क्या होगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट स्पीकर को नहीं करेगी, ये ऑप्शन तो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगी जब सरकार गिर गई होगी, तब हमारा बजट जो है वो फेल होगा, पेश नहीं होता उस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग फॉर द रेवेन्यू बजट, ठीक है। एट का देखिए, इट इज डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, बिल्कुल नहीं। इट इज द टोटल रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स इन एड टू क्रिएट एसेट्स फॉर स्टेट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम लोग ग्रांट्स जो एसेट्स जो ग्रांट्स एड दी होती है स्टेट्स को, उसको हम एक्सक्लूड कर दें जब रेवेन्यू डेफिसिट से, तो वो हमारे पास रेवेन्यू बजट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो नीचे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकिंग बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सी नहीं होगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल होंगी,
द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज बिल्कुल होंगी, ये भी एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सर्विसेज बिल्कुल होंगी, एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस बजट ठीक है जी, ये नहीं होती, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डिफेंस बजट टोटली डिफेंस को जाती है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेंथ, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वुड बी, ठीक है अब देखिए यहाँ सीधी सीधी बात है, कटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो यहाँ पे तो हम इंक्रीज करते हैं ठीक है, कटिंग प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स बिल्कुल नहीं, कटिंग प्राइजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स बिल्कुल भी नहीं, तो हम क्या करते हैं टैक्स की कटिंग करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन टेंथ। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ अ बजट डेफिशिट, इलेवंथ का देखिए बजट डेफिशिट की अपने पास डेफिनेशन क्या होगी, ठीक, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड बोरोविंग्स, ठीक है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट माइनस बोरोविंग्स, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट, ठीक है इसमें हम क्या करते हैं जो बजट डेफिशिट होता है, बजट डेफिशिट उसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं कि टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो, जब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो तो हम उसको बजट डेफिशिट कहते हैं, तो 11th का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिस्कल पॉलिसी टूल, जो है फिस्कल पॉलिसी का इनमें से कौन सा नहीं है, टैक्स स्पेंडिंग बिल्कुल हैं ये दोनों हैं, इंटरेस्ट रेट, ओके इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी याद आया कल हमने पढ़ी थी मॉनेटरी पॉलिसी ये उसका टूल है तो इसका नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फेडरल गवर्नमेंट्स ओवरऑल अप्रोच टू स्पेंडिंग द टैक्सेस इज कॉल्ड, ठीक है स्पेंड करना टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट के ओवरऑल अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फिजिकल पॉलिसी भी नहीं फिजिकल पॉलिसी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, क्वेश्चन 14, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी वुड बी, तो ये हमने शायद लास्ट में डिस्कस भी, एक क्वेश्चन ये डिस्कस भी किया इससे रिलेटेड, कटिंग ऑफ टैक्सेस, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है हमारे पास, हम लोग जो टैक्स है उसको कट कर देते हैं दैट इज लो कर देते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इफ एंड इकॉनमी एक्सपीरियंस अ ड्रास्टिक राइज इन प्राइजेस विच फिस्कल पॉलिसी एक्शन कुड बी टेकन, ठीक है सेलिंग सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट नहीं जी, पहले ही एक्सपीरियंस हो रहा है ड्रास्टिक राइज का, ऑल राइट रेजिंग इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं, हमारे पास कौन सा कोई ये कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशन हो रहा है हमारे पास, ठीक है यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट वाले रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी बिल्कुल सही बात है, ये फिस्कल पॉलिसी एक्शन हम लोग लेंगे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको हम लोग कम कर देंगे क्योंकि हमारे पास पहले ही जो प्राइजेज है वो राइज कर रही है तो उसको प्राइजेस को कम करने के लिए स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ओके तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की डिस्कशन, ठीक है होप सो आपको फ्रूटफुल लगी होगी ये, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिस्कल पॉलिसी जो कंसेप्ट है ये किसका था ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ कीन्स का ये कंसेप्ट था, और तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग कीप शेयरिंग।